दोस्तों, खैर मकदम है मेरे चैनल पे। अब कुछ अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से कि कुछ दिन पहले जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम की डिस्कवरी हुई है। लिथियम एक मिनरल है दोस्तों, और लिथियम को कहां यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो ये दुनिया है, जो अर्थ है, इसमें जो एनवायरमेंट है वो गंदा होता जा रहा है, खास करके कार्बन एमिशंस की वजह से। और ये कार्बन एमिशंस कहां से आते हैं? ज्यादातर हमारी व्हीकल से, यानी कि स्कूटर, बस, ट्रकिंग, ये सारी जो पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं, इससे सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन आ रहा है दुनिया में वो इन चीजों से आ रहा है। तो इसीलिए क्लाइमेट कंट्रोल एक्सपर्ट्स ने हमें ये हिदायत दी है दुनिया वालों को कि सारे मिलकर कार्बन एमिशन को कम करें। और इसके लिए आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम होने वाला है आने वाले सालों में। इनफैक्ट वो बूम शुरू भी हो चुका है। इलॉन मस्क को तो आप सब जानते होंगे, उनकी जो कंपनी है टेस्ला, वो क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। लिथियम एक मिनरल है जिसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने के लिए। और टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो इसीलिए गिरे, टेस्ला कंपनी के जो मुनाफे वो इसीलिए गिरे क्योंकि लिथियम का इनफ स्टॉक नहीं है दुनिया में। और उसको प्रोक्योर करना, यानी कि लिथियम का स्टॉक मिलना दुनिया के लिए एक रॉ मटेरियल के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ ही कंट्रीज हैं, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जो लिथियम प्रोड्यूस करती है, यानी कि जहां पे लिथियम पाया जाता है। और अब इस रेस में इंडिया भी शामिल हो चुका है। आप सोचिए, ये आप एक तरह से कह सकते हैं तकदीर है, किस्मत की बात है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला भी पीएम मोदी के साथ हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि दो साल पहले ग्लासगो में COP26 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया के सामने ये वादा किया था कि इंडिया जो है अपना कार्बन एमिशन 45% कम कर देगा 2030 तक। ये टारगेट रखा था पीएम मोदी ने। इनफैक्ट पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि 2070 इंडिया कार्बन एमिशन में नेट जीरो हो जाएगा। और पीएम मोदी ने यह इरादा किया उसके ठीक दो साल बाद, यानी कि इसी साल लिथियम पाया गया। मतलब है कि जो पीएम मोदी ने इरादा किया है इंडिया को कार्बन एमिशन मुक्त करने का, वो सपना अब पूरा होता दिख रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि इंडिया अब लिथियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की रेस में अब आ चुका है। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था लिथियम बैटरीज का, उसके साथ साथ यूएसए ऑलरेडी कम्पीट कर रहा था, और अब इंडिया इस रेस में आ चुका है। तो यानी कि इंडिया की डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन अब बढ़ जाएगी, इंडिया एक एक्सपोर्टर भी बनेगा, वहां से भी हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और जम्मू कश्मीर को तो इसका फायदा ही फायदा है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ऐसी हो जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो, क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं ये उनकी लैंड में पाए गए हैं, हमारी लैंड में पाए गए, हमारे जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे पहले फायदा होना चाहिए, पूरे भारत को भी इसका फायदा होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स एनवायरमेंट को भी इसका फायदा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। माइनिंग की वजह से, जैसे आप जानते हैं, अर्थक्वेक्स इंड्यूस हो सकते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर जो है वो जोन 3 में आता है, तो वो मॉडरेट रिस्क में है, मगर फिर भी इससे दूसरी भी पोल्यूशन होती है। इससे आसपास की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल भी हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल कम हो जाते हैं, डस्ट पोल्यूशन हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद लाइफ मिशन का आगाज किया था यूनाइटेड नेशंस में। लाइफ मिशन यानी कि उन्होंने वादा किया था दुनिया के सामने, हमारे पीएम मोदी ने, कि इंडिया जो है लाइफ मिशन के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पूरी दुनिया को हेल्प कर, यानी कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये इस सब के दायरे में रहकर इंडिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। और ये वादा पीएम मोदी ने खुद यूनाइटेड नेशंस में किया था। तो ये दो चैलेंजेस हैं अब पीएम मोदी के सामने, हमारे सामने, हम सारे हिंदुस्तानियों के सामने, कि एक तो हमें कार्बन एमिशन कंट्रोल करना है, दूसरा लिथियम की रेस में हम आ चुके हैं अब, और तीसरा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है एनवायरनमेंट को बचाकर। तो देखते हैं कि सारे हिंदुस्तानी मिलकर पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरह हम ये सब अचीव करते हैं। जय कश्मीर, जय हिंद।